वेलकम बैक टू माय चैनल श्री किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर कच्चे केले की स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से भी बन जाती है ये सब्जी, और सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद सब्जी होती है, क्योंकि तो इसमें कच्चे केले में आयरन बहुत पाया जाता है। कई लोग इसे जो लोग ब्राह्मण आते हैं उसमें भी कई लोग इसे खिलाते हैं सब्जी बना के, या पूजा में भी कच्चे केले की सब्जी को बनाया जाता है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान से बन जाती है। तो चलिए, अब हम देर ना करते हुए आपको फटाक से बनने वाली कच्चे केले की सब्जी की रेसिपी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम और नई नई रेसिपीज़ आपको रेगुलर लेकर आए। तो फ्रेंड्स, कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने कच्चा केला ले लिया है, और यहाँ आलू ले लिया है। आलू मैंने 3 लिया था, और यहाँ मैंने कच्चा केला भी ले लिया है। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ले लीजिए। इसे मैंने काट लिया है, इसे गोल गोल ऐसे सर्कल टाइप का काट लिया है, और इसे मैंने बहुत बढ़िया से वॉश कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ज़्यादा बारीक ना काटें, जैसे सब्जियों में जैसे पड़ती हैं प्याज वैसे टाइप का काटें। और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है पीसेस में। तो फ्रेंड्स, इन सब को जानने के बाद अब आते हैं मसालों में। मसालों की बारी आती है। मसालों में मैंने देखिए, मसालों में मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ हमें डालना है 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ हमने 1 छोटी स्पून चिली फ्लेक्स, या आप 1 छोटी स्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने डालना है 1 छोटी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ मैंने 2 मैंने यहाँ हरी मिर्च लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ मैंने 1 चुटकी हींग ले लिया है, और यहाँ हमने 1 स्पून करीब 1 बड़ा स्पून करीब अमचूर पाउडर, और यहाँ कसूरी मेथी ले लिया है, जिसे क्रश करके डालना है। और यहाँ हमने 1 स्पून पंचफोरन ले लिया है, और यहाँ हमने कुछ धनिया के पत्तों को ले लिया है, धनिया के पत्तियों को ले लिया है। तो फ्रेंड्स, कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए बस हमें इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए, और इतनी सामग्रियों में हमारे कच्चे केले की जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए, अब देर न करते हैं आपको उसकी विधि बताते हैं। तो फ्रेंड्स, कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल दिया है। अब ये गर्म हो गया, तो हम इसमें 1 छोटी स्पून यहाँ पंचफोरन डाल देते हैं, और यहाँ हमने चुटकी भर हींग भी डाल दिया है। और यहाँ हमारे पंचफोरन चटक गए हैं, तो यहाँ मैंने प्याज को डाल दिया है बारीक कटे हुए। आप लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं प्याज के साथ, अगर आप खाना चाहते हैं तो। और यहाँ हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। तो यहाँ हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो हमने यहाँ पे आलू और अपने कटे हुए केले को डाल दिया है। तो थोड़ा सा हम इन्हें चला लेते हैं, ताकि हमारे प्याज भी आलू में मिक्स हो जाए और केले में। अब यहाँ चलाने के बाद हमने 1 छोटे स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हल्दी डालने के बाद यहाँ हमने कटोरे में 2 स्पून मैंने यहाँ धनिया पाउडर, और 1 स्पून मैंने गरम मसाला, और 1 छोटी स्पून चिली फ्लेक्स सबको डाल के, अब इसमें हम पानी डाल के इनका घोल तैयार करके तब हमें डालेंगे केले की सब्जी में। फ्रेंड्स, ऐसा डालने से ना बहुत ही स्वादिष्ट केले की सब्जी बन के तैयार होती है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। डायरेक्ट मसालों को डालने से अच्छा घोल बना के डालिए आप, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। तो फ्रेंड्स, हमारे सब्जी बढ़िया से मैंने इन्हें चला के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इनमें अपना घोल को डालेंगे मसाले के,
और यहाँ चलाने के बाद हमने इसमें हरी मिर्च को डाल दिया है और यहाँ हमने अपने मसालों का घोल को डाल दिया। फ्रेंड्स याद रखें, जब बढ़िया से सब्जी आपकी फ्राई हो जाए, थोड़ी सा सुनहरा उसमें ब्राउन कलर हो जाए आपके केले और आलूओं में, तभी आप मसालों को घोल को डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स मसाला डालने के बाद आप बढ़िया से सब्जियों में मिक्स करके और खूब बढ़िया से मसालों को 4 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो मसाले हैं बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए किनारे किनारे तेल भी छोड़ने लगे हैं, तो इसका मतलब हमारे मसाले बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। नमक आपको अभी नहीं डालना है, बाद में आप नमक डालिए। इसे नमक डालने से ये होता है, पहले आप डाल देंगे तो नमक तेल छोड़ने लगेंगे, तो बहुत बढ़िया सब्जी के जो मसाले वो फ्राई नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे मसाले फ्राई हो गए, तो अब हम इनमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्रेंड्स नमक हमें मसालों को फ्राई करने के बाद ही डालना है, नहीं तो नमक डालने से सब्जियों को पानी छोड़ने लगेंगे, तो मसाले बहुत बढ़िया से फ्राई नहीं होंगे और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, नमक को फ्राई करने के बाद ही मसालों को डालिएगा। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से हमारे मसाले फ्राई हुए हैं और सब्जियों में भी कोट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, मुझे चावल के साथ खाना है, इसीलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। आपको रोटी के साथ खाना है या पूड़ी के साथ खाना है, तो उस हिसाब से आप अपने पानी की क्वांटिटी को मेंटेन करके डाल दीजिएगा। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर के पीसेस डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टमाटर मैंने डाला है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना टमाटर के, बहुत ही टेस्टी लगती है बिना टमाटर के भी सब्जी। अब फ्रेंड्स हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं, ताकि ये बढ़िया से सब्जी हमारी कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने अपने केले की सब्जी को चेक किया है, ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें उबाल आ रहे हैं। तो हमने इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ देना है थोड़ा सा चला के। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा स्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। फ्लेवर के लिए मैंने कसूरी मेथी डाला है। और फ्रेंड्स अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। देखिए हमारी सब्जी अब बनके बिल्कुल तैयार है और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सिंपल हमारी कच्चे केले की सब्जी बनके तैयार है बिल्कुल। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, रोटी पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कच्चे केले की सब्जी आप किसी भी साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी है और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने गेस्ट भी आ सकते हैं, तो आप इसे खिलाइए, सब्जी बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल तरीके से बन जाती है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज कच्चे केले की ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।